बीजेपी नेताओं का विवादों से नाता टूटता हुआ नहीं दिख रहा है। अब इसमें एक और नाम शामिल हो गया है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी नेता प्रकाश बजाज पर एक महिला ने जमीन के सौदे पर धोखाधड़ी और धमकाने का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि बजाज ने 40 लाख में भावना नगर के मकान का जो सौदा किया था, उसके लिए उसने 10 लाख रुपए एडवांस दिए थे, पर उसे ना तो घर मिल पाया और ना ही उसके पैसे लौटाए गए। इतना ही नहीं, महिला की माने तो बजाज के दफ्तर में बुलाकर उसके साथ छेड़खानी की गई और बाद में उसे लगातार धमकियां भी मिली। वहीं तेलीबांध थाने के इंस्पेक्टर नरेश पटेल ने बताया कि गायत्री नगर की इस महिला ने 2016 में अपने लिए मकान की तलाश शुरू की थी, जिसके लिए उसने ब्रोकर मोहन होतवानी से संपर्क किया था। मोहन ने उसे भावना नगर का एक मकान दिखाया था जो कि उसे पसंद आ गया। ये घर किसी और का नहीं बल्कि VIP स्टेट कॉलोनी में रहने वाले भाजपा नेता बजाज का था। फिर ब्रोकर ने महिला और बजाज की मुलाकात करवाई, 40 लाख में डील फाइनल हो गई, पर उस समय उसके पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए बजाज ने महिला से 10 लाख रुपए एडवांस देने को कहा और बाकी बचे 30 लाख रजिस्ट्री से पहले फाइनेंस करवा दिए जाएंगे। लेकिन इसके बाद ना तो महिला को उसका घर मिला और ना ही उसके पैसे दिए गए। इससे पहले भी महिला ने बजाज के खिलाफ छेड़खानी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसे पुलिस ने बजाज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। फिलहाल वो जमानत पर है। न्यूज डेस्क। We'll be right back.